मॉर्निंग, बैठ जाओ। ये क्या है? स्लैब है, कांच का स्लैब है। क्या है ये? देखिए ये मोटाई है ना, ये कांच का स्लैब है। इसको क्या बोलते हैं? कांच का स्लैब। क्या बोलते हैं? कांच का स्लैब। इस स्लैब में अगर यहाँ टॉर्च जला देंगे तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। यहाँ भी जलाएंगे तो कुछ होगा? किरण का अपवर्तन हो जाएगा। टॉर्च तो मैं लेके नहीं आया हूँ, कभी करके दिखा दूंगा। ये आप लोग कल लेते आएंगे टॉर्च, ये प्रैक्टिकल करेंगे। लेजर लाइट हो तो और उत्तम, ठीक ना। तो ये जो है इससे जैसे ही जलाएंगे टॉर्च ना, देखेंगे किरण जो है वो सीधा नहीं निकलेगी, थोड़ा तिरछा हो जाएगी। तो इसका कभी कभी क्वेश्चन आपको मैं ही दे दूंगा कि कांच के स्लैब से अपवर्तन का व्याख्या करें। तो आपको एक चित्र बनाना होगा इस स्लैब का। स्लैब का ये क्या है? कांच का स्लैब। और उसके बाद अपवर्तन का आपको व्याख्या करना होगा। वो कैसे करेंगे मैं तुरंत बता रहा हूँ। देखिए पहले कांच का स्लैब बना देना है। क्या करना है? आज कितना तारीख है? कांच के स्लैब से अपवर्तन। कांच के स्लैब से अपवर्तन, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? एक स्लैब बना देते हैं। ये हो गया कांच का स्लैब, ठीक ना। ये क्या हम बना दिए? कांच का स्लैब बना दिए। कांच का स्लैब हुआ ना? यस सर। अब क्या होगा? अपवर्तन इसे पढ़ना है तो हम आपतित किरण प्लेट ड्रॉ करेंगे, करेंगे ना। एक तो अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब हो गया एन एन डैश। नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स होता है अभिलंब ना। अब आपतित किरण ड्रॉ करते हैं। यहाँ ये मान लेते हैं आपतित किरण है, इसको आना चाहिए था, इस डायरेक्शन में आना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा होगा क्या? ये अगर हवा है और ये कांच का स्लैब है, कांच का स्लैब, तो क्या होगा इसमें? जैसे आपतित किरण प्रवेश करती है तो ये आपतन के बाद क्या होगा? यहाँ अपवर्तन के बाद क्या होगा? आप लोग बताइए। अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आपतित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुकाते हैं। कब ये झुक जाती है? जब विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है। कब झुक जाती है? जब विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए अभिलंब की ओर झुक गई है ना। लेकिन यहाँ भी तो माध्यम बदल रहा है। क्या? कांच के स्लैब में हम किरण गुजार दिए, यहाँ से किरण इस पर पड़ गया और इसके भीतर 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 यहाँ आएंगे, फिर तो उसको हवा मिल गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हवा से कांच में, अब फिर क्या होगा? कांच से हवा। तो इस जगह जो हमको माध्यम का युग में मिला वो हवा कांच मिला, लेकिन इस जगह जो माध्यम युग में मिल रहा है वो कांच हवा मिल रहा है। देखिएगा यहाँ कौन सा युग में मिलेगा? हवा कांच। युग मैंने जोड़ा तो दो का नाम होगा, हवा कांच। इस जगह ये हुआ हवा और कांच को पृथक करने वाला तल हुआ ना, और ये कांच और हवा को पृथक करने वाला तल हुआ। कांच से निकलेगी किरण, उसके बाद हवा फिर मिल रहा है ना।
तो कांच से जब किरण निकलेगी हवा में जैसे प्रवेश करेगी तो फिर माध्यम बदला, फिर अब सघन से विरल में किरण जाएगी तो क्या होगा? जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलेगी तो क्या होगा? वाह बेटा, अभिलंब से दूर हट जाती है, एकदम निश्चित रूप से ये न हो रहा है, अभिलंब से दूर हट जाती है। और इस जगह मैं एक अभिलंब फिर खींचता हूँ ना, चूंकि आपतन बिंदु बन जाएगा ना। एक बच्चा मेरे पास आता जी, कोई आओ ना यार, गजब का कहानी है। पकड़ो इसको, इसको पकड़ो, इसको भी पकड़ो। चंपो ऐसे खेलना नहीं बेटा, चाप के रखो ना। हाँ हाँ, दाब के रखो खाली, हटा। देखिए ये भी एक नॉर्मल होगा, नहीं होगा? ये भी तो एक नया नॉर्मल होगा। डबल डैश एंड ट्रिपल डैश दे देते हैं, ये नया नॉर्मल इस बिंदु पर। अभी अब देखिए, ये आपतित किरण हुआ, कांच और हवा के लिए ये किरण क्या होगा? आपतित किरण होगा। और ये जैसे ही हवा में निकलेगी तो क्या होना चाहिए? इसको जाना चाहिए था लाल वाले को इस डायरेक्शन में, जाना चाहिए था इसको इस डायरेक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये अपवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? अपवर्तन हो जाएगा। देखिए वह अपवर्तन यानी कि अभिलंब से दूर हट गया। अब समझिएगा क्या हुआ, किरण ए बी आपतित हुई, ए बी किरण, और जैसे ही कांच स्लैब पर पड़ा यानी कि आपतन बिंदु पर पड़ा, तो इस जगह कांच होने के कारण माध्यम बदल गया, और माध्यम बदल करके उसको जाना चाहिए था सी के दिशा में, लेकिन वो चला गया ए बी सी की दिशा में, नहीं जा करके ए बी किस दिशा में चला गया? डी की दिशा में। किधर चला गया? जाना चाहिए था बी सी की ओर, लेकिन चला गया किधर? बी डी की ओर। फिर डी बिंदु तक पहुंचते पहुंचते कांच से किरण निकल करके हवा में प्रवेश कर रही है, माध्यम बदलने के बाद ये किरण जाना चाहिए था ई की ओर, बी डी को कहाँ जाना चाहिए था? लेकिन ये अभिलंब से दूर हट करके कहाँ चली जाती है? एफ की ओर। बस यही बात लिखना है पूरा। आपके क्लास में नहीं आएगा ये, परीक्षा में लिखने इंटर मैट्रिक में नहीं आता है, लेकिन ये आपको जानकारी होनी चाहिए। कांच से, कांच के स्लैब से अपवर्तन समझ में आया? यही सब बात लिखना है भाषा में, इसको रटने का नहीं है, अपने से लिखने का है। मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ, एक बड़ा सा फिगर बना के, बड़ा सा फिगर बना के समझा दे रहा हूँ। अपवर्तन इसमें मैं क्या बताया कि एक नॉर्मल ड्रॉ सबसे पहले कर लीजिए, अभिलंब क्या कीजिए, है देखिए अभिलंब खींच देते हैं, अभिलंब हो गया, और आपतित किरण को हम लाते हैं। आपतित किरण को एक्चुअल में ये खींचने का नहीं है, ये जो है ये खींचने का नहीं है, लेकिन बात है आप जानेंगे कैसे। आपको जानने के लिए इसको मैं थोड़ा सा हल्का खींच देता हूँ, ठीक। अब देखिए ए बी एक किरण आपतित करते हैं, ए बी किरण आपतित कर दे, आपतित किरण हुआ, इस बिंदु पर पड़ा, इस बिंदु का नाम कुछ रखिए आप, बी रख दीजिए ए, अब किरण का रूप दीजिए, अब हुआ किरण, ये एन है और ये एन डैश है। आपतित किरण का नाम क्या हुआ? ए बी, ए बी को जाना चाहिए था किधर? सीधे जाना चाहिए था, जाना चाहिए था इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन क्या वो जा पाएगी? जा पाएगी? क्या होगा? क्यों? क्योंकि विरल से सघन में आ गया, ये हवा है और ये कांच है। हाँ बेटी तुमको रहना है, खाली कब बीच बीच कलम टपा देना चेंज करके, ठीक ना। हवा है, हवा से क्या हुआ? कांच में जा रही है, और हवा एक विरल माध्यम है। हवा क्या है? विरल माध्यम है, कांच एक सघन माध्यम है, तो विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुका देते हैं। इसे कहा जाता है झुकेगा नहीं, लेकिन झुका ही देते हैं। झुक गया, झुक गया, पुष्पराज झुकेगा।
झुक गया, क्योंकि यहाँ कांच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कांच लगा हुआ है, और आपतित किरण आया और अभिलंब की ओर झुक गई। झुकेगा तो फिर दौड़ेगा भी, हटेगा भी, हटा देते हैं, इस जगह एक अभिलंब बन जाएगा। जब भी दो सतह मिले, दो माध्यम का मिलन स्थल हो, वहां अपतन बिंदु बन जाएगा। एक बिंदु ये बना, यहां भी एक अभिलंब ड्रॉ कर सकते। बेटू कलम दे दो, दूसरा एक अभिलंब हो गया। क्या हो गया? इसको मैं एम डैश कर देता हूं, कोई दिक्कत? अब इस आपतित किरण, इसके लिए, इस बिंदु के लिए बीसी क्या हो गया? आपतित किरण। बीसी क्या हुआ? और ये अपवर्तन के बाद इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था। किधर? इधर। रेड में खोल के तेजी से, इसको जाना चाहिए था किधर? इस डायरेक्शन में। लेकिन बेचारी किरण, लेकिन ये बीसी से डी की ओर जाना चाहिए था, लेकिन बेचारी किरण जैसे ही कांच से निकल के हवा में जाती है तो विरल माध्यम हो गया। विरल माध्यम है तो इसका राज दूर हट गई पूरा, और ये इस दिशा में चली जाती है। इस दिशा में चली जाती है ना, बी सी, यहां डी कीजिए, इसको डी डैश कर दीजिए। कुछ दे सकते, जरूरी नहीं है डैश फैस ए बी सी डी ई एफ जी एच आगे बढ़ाते चले जाइएगा, इससे कोई बंधन नहीं रहता, ठीक ना। ये नहीं सोचेगा कि डैश क्यों दे, अरे ऐसे दे दिया मेरा मन। आप ऊपर क्लास में जाएंगे, किताबों में ज्यादा डैश प्रयोग किया रहता है, इसलिए डैश हम लोग दे देते। महाजन आने का था सापन था, महाजन जिन रास्ते में गया है वही रास्ता है। आइए यहाँ देख रहे हैं कितना शांत सब बचा है। इस तरह शांति से एकदम रहेंगे ना, वो पढ़ाई का मजा ही अलग लगेगा। इसका व्याख्या करना है, क्या करेंगे? देखिए हमको रटना नहीं, मैं ना आपको मैं रटने कहूँगा, इसको रटना ही नहीं है। आप कॉपी निकाल लीजिएगा, स्केल निकाल लीजिएगा, कलम निकाल लीजिएगा एक दो कलर का, और पहले फिगर बना दीजिएगा। फिगर बनने एक तरीका, यहाँ देखिए कैसे बनाना है, एक आयत बना देना है। क्या करना है? एक आयत बनाना है। और थोड़ा सा नीचे करके, यहाँ देखिए अपने अंदाज से दूसरा आयत बना देना है, ये तो आप कर ही सकते हैं। और इसको इससे जोड़ देना है, इसको इससे जोड़ देना है, इसको इससे जोड़ देना है, इससे इसके बाद हो गया फिगर। बात बुझे? ये स्केल से करेंगे तो खूबसूरत थोड़ा लगेगा। क्या किए? एक आयत बना दिए, दूसरा आयत बना दिए, सबका कोना जोड़ दिए, बस बन गया। समझ गए? चलिए तो अब वर्णन कैसे करेंगे? कांच के स्लैब से अपवर्तन का व्याख्या करें। तो आपको व्याख्या करना है कि कांच के स्लैब से अपवर्तन कैसे। बेटो बैठ जाओ तू, हाँ बैठ जाना, हो गया। कांच के स्लैब से अपवर्तन के लिए हम आपतित किरण को एबी की दिशा में आपतित किए, ये आपतन बिंदु पर आने के बाद जाना चाहिए था बीसी डैश की दिशा में, लेकिन कांच एक सघन माध्यम है और इसका अपवर्तन होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है और बीसी की दिशा में चली जाती है। पुनः सी बिंदु पर जब जाती है तो इसको जाना चाहिए था सीडी डैश की दिशा में, लेकिन माध्यम बदल जाता है, कांच से हवा में प्रवेश करती है किरण, माध्यम बदलने के कारण, विरल माध्यम हो जाने के कारण अभिलंब से दूर हट जाती है और सीडी दिशा में चली जाती है। यही कांच से अपवर्तन है, कांच के स्लैब से अपवर्तन हो गया। व्याख्या लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको होमवर्क एक लिख देता हूँ, होमवर्क आप थोड़ा सा एंगल दिखा सकते हैं, इसको हम आई कर सकते हैं और इसको आर कहेंगे, और यहाँ जो है ये आई बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? आई, और ये जो बनेगा ये पूरा, ये क्या बन जाएगा? आर, क्योंकि फैल गया ना, अभिलंब से दूर हट गया, बड़ा कोण अपवर्तन हो गया, समझे? यहाँ भी आप लगा सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, यहाँ क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, जिसको एन कहते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसी स्थिरांक का नाम है, भी पढ़ाऊंगा अपवर्तनांक एक टॉपिक, इसके बाद का वो टॉपिक होगा। होमवर्क, कांच के स्लैब से अपवर्तन का चित्र बनाकर व्याख्या करें।
कर देंगे, रटना नहीं पड़ेगा। ये होमवर्क रहा कांच के स्लैब से अपवर्तन का व्याख्या करें। कोई आपत्ति? इस क्वेश्चन का आंसर बना लेंगे आप? चलिए ठीक है, फिर अगले क्लास में।